नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई सऊदी अरबिया से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, सऊदी अरबिया से रिलेटेड। आपको पता भाई, आप सबको पता है सऊदी में कफाला सिस्टम बंद हो चुका है। जी हाँ, लेकिन कफाला सिस्टम बंद हो गया, आप सबने लगभग लोगों को पता होगा, लेकिन क्या आपको पता है कफाला सिस्टम बंद और कब से हो गया, कैसे होगा? अगर कफाला सिस्टम बंद होने का मतलब, उसमें ये बातें सरकार ने बताई थी कि भाई आप जब चाहे जॉब चेंज कर सकते हैं, ये कंडीशन रखी गई थी। आप लोगों की खुशी भी हुई कि भी अच्छी बात है, कंपनी हमारे साथ नाटक नहीं कर सकेगी, कंपनियां बदमाशी नहीं कर सकेगी, हमें लगेगा कि भाई कंपनी सही नहीं है तो हम कंपनी चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसमें सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की थी कि भाई कंडीशन क्या रहेगी जॉब चेंज करने की। हालांकि मैंने दो वीडियो बनाए थे, पहले में कफाला सिस्टम बंद हो गया, दूसरे में कंडीशन बताई कि ये कंडीशन होने पे आप जॉब चेंज कर सकते हैं, लेकिन जॉब चेंज करने का तरीका क्या रहेगा, जी हाँ वो इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। 2021 में फरवरी में सरकार ने कुछ गाइडलाइन जारी की है। जी हाँ, 6 शर्तें रखी है, वो शर्तें आपके ऊपर लागू होंगी तभी आप अपनी कंपनी का जॉब छोड़ के दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। 6 कंपनियां, जी हाँ साथियों, 6 शर्तें सरकार ने रखी हैं। 2 पॉइंट पे हम बात करेंगे आपकी तरफ से, कंपनी की तरफ से, जी हाँ किस तरह से आप जॉब चेंज करोगे तो क्या क्या आपको फॉर्मेलिटीज करनी होगी, इससे रिलेटेड हम पूरी डिटेल से बताएंगे। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्री सऊदी से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ये जो नियम बता रहा हूं, जो कफाला सिस्टम है, आपको पता है 2021 में बन गया था, लेकिन ये मार्च 2021 से बता दूं लेबर मिनिस्ट्री ने कफाला सिस्टम खत्म कर दिया। मार्च से स्टार्ट होगा, अभी जो मार्च आने वाला है एक दो दिन के, दो चार दिन के अंदर मार्च से सिस्टम लागू हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में बता दूं, नौकरी के बदलने की इजाजत सरकार ने दे दी है। जी हाँ, लेबर लॉ की शर्तों के अनुसार दी गई 6 शर्तें रखी गई हैं। सऊदी लेबर लॉ के अनुसार 6 शर्तें आपको पूरी करनी होगी, तब जाके आप इसमें जॉब क्विट करके दूसरी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 6 पॉइंट जो है उसमें पहले बात कर लेते हैं कि बता दूं, जो लेबर जो सिस्टम है उसमें सभी वर्करों का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यकता है। लेबर सिस्टम, आप वहां रह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए लेबर सिस्टम क्या होता है, उसमें आपका रिकॉर्ड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि हाँ आप वहां पे ऐसे ऐसे वहां पे जॉब कर रहे हैं। रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो आप जॉब कैसे चेंज कर सकते हैं। वर्कर को करंट एम्प्लॉयर यानी कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होगा, ये बात आपको ध्यान रखने की। ये नहीं कि आप अभी गए, महीने दो महीने रहे, कंपनी ने खर्चा कर दिया आपके ऊपर, फिर आपके तो जच गई थी, हमें तो जच गई, हमारे राजस्थानी में है ना, हमारा राजस्थान हरियाणवी बोलते हैं, हमें तो जच गई थी। जचने से कुछ नहीं होना भैया, आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। और वर्कर को बता दूं, कंपनी जिस आप कंपनी में जा रहे हैं, किसी कफील के पास जा रहे हैं, उसका खर्चा हुआ लाखों दराम उसकी लगी है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा करना होगा। सेकंड में हम बात कर लेते हैं कि वर्कर को, आप जैसे मान लीजिए सऊदी में चले गए तो अग्रीमेंट वैसे 2 साल का होता है, लेकिन एक एक साल से रिन्यू होता है, तो आपको 1 साल का वर्क अग्रीमेंट पूरा करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। ये नहीं कि आज गए 6 महीने बाद चूल मच गई थी, इसमें नहीं रहना उसमें जाना, 1 साल का वर्क परमिट आपको पूरा करना होता था, ठीक है। 3 नंबर पे बात करें, वर्कर को जैसे सऊदी में जाने के बाद आपको करंट कंपनी में 1 साल आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के साथ 1 साल तक आपको उस कंपनी में रहना पड़ेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास कंपनी के पास, मैं बता दूं वर्कर के पास एक रजिस्टर्ड वर्क परमिट, आपके वर्क अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ये नहीं कि मुंह के बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास जिस पहले वाली कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसके साथ में आपका एक नोटरी यानी रजिस्टर्ड बोल सकते हैं, वो नोटरी टाइप का बोल दे, वो अग्रीमेंट आपके पास में होना जरूरी है, उसके बिना आप जॉब चेंज नहीं कर सकते। दूसरी कंपनी में आप जॉब जा रहे हैं तो कंपनी डायरेक्ट आपको जॉब नहीं दे सकती, इस बात का ध्यान रखें। किविया नाम का एक प्लेटफॉर्म है जो जॉब प्रोवाइड करवाता है, उसके द्वारा आपको उस कंपनी में आवेदन करना पड़ेगा, जी हाँ, यानी कि डायरेक्ट आप कंपनी में चले जाओ ऐसा नहीं होने वाला है। नई कंपनी आपको किविया नाम का एक प्लेटफॉर्म आप ट्राई कर लेना, उसमें आपको नई कंपनी जॉब देगी ना, वो भी उस प्लेटफॉर्म के द्वारा ही आपको अप्लाई करेगी, ये नहीं कि आप सीधे इस कंपनी से निकले और उस कंपनी में जाके खड़े हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो ये 6 पॉइंट हो गए। नई कंपनी के पास आप जा रहे हैं तो आपके पास 5 शर्तें आपको माननी पड़ेगी, 5 शर्तें कंप्लीट करोगे तो ही आपको दूसरे वाली कंपनी जॉब देगी। वो 5 शर्तें क्या है वो आप देख लीजिए। नई कोई भी कंपनी में आप जॉब करोगे, आप पहले वाली कंपनी छोड़ के जाओगे तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना, कुछ तो आपको रीजन देना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है मैं बता दूं, आपके पास एक नया वीजा होना चाहिए। 5 जो शर्तें हैं उसमें आपके पास एक, ये नहीं कि आपके पास वीजा ही नहीं है आप दूसरी कंपनी में जा रहे हो, आपके पास आपके पासपोर्ट में वीजा लगा होना चाहिए। ये पूरी डिटेल से बारीकी से आपको वहां पे पता लगेगा भाई, मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ, ठीक है।
नई कंपनी किविया के माध्यम से प्लेटफॉर्म पे आपको आवेदन करने के लिए बोलेगा। वहां का एक प्लेटफॉर्म है, वो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, उसके द्वारा आपको अप्लाई करेगी। ये नहीं कि इससे निकले उसमें चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेस्ट प्रोटेक्शन सिस्टम पर आपकी शिकायत की होनी चाहिए, पहले वाली कंपनी के खिलाफ आपको शिकायत करनी पड़ेगी इस वेस्ट प्रोटेक्शन सिस्टम के ऊपर। जी हाँ, आगे चार नंबर पॉइंट पे बात कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंटिंग और डिजाइनिंग प्रोग्राम पर भी आपको शिकायत करनी पड़ेगी। ये गवर्नमेंट के कुछ सॉफ्टवेयर है, वहां पे जाके आपको इस पे शिकायत करनी पड़ेगी। सेल्फ असिस्टमेंट प्रोग्राम के कंट्रोल पर भी आपको शिकायत करनी पड़ेगी। जी हाँ, ये पांच चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इनको इनके ऊपर शिकायत करोगे तब जाके आपको आगे दूसरी कंपनी में जॉब मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने 8 जॉब ऐसे फाइनल किए जो अपने अंडर कर लिया है। जी हाँ, वो 8 जॉब तो अभी भी आप चेंज कर सकते हैं, वो आप नॉलेज के लिए आपको नियरेस्ट में जाके वहां पे आपको पता लगाना पड़ेगा। ये मैंने मोटी मोटी आपको बात बता दी है, अगर इसमें सरकार कुछ चेंज करती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। आगे जैसे वीडियो आएगा, कोई जानकारी आएगी, हम वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।